केचप बॉटल से बनाइए ये प्यारा सा बॉटल लैम्प। बॉटल लैम्प बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक खाली केचप बॉटल का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे इसका जो केचप का स्टिकर है वो रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे एक मैं ब्राउन कलर का रोप ले रही हूँ और फेविकॉल ए प्लस सीजर। तो बस इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे प्यारा सा बॉटल लैम्प। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको फेविकॉल ए प्लस का यूज़ करना है। यहाँ पे उसके बॉटल के स्टार्टिंग पे हम फेविकॉल ए प्लस को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने फेविकॉल ए प्लस लिया, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फेविकॉल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रोप को लगाते जाना है। बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पे आपको बॉटल को मूव करते हुए कुछ इस तरह से रोप को लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके गैप्स है वो बिल्कुल आपको फिल कर दे, इसको खाली नहीं छोड़े, इसको पास पास में थोड़ा लगाएं। और इसके बाद फिर से दोबारा से सेम फेविकॉल अप्लाई करके इस तरह से हम रोप लगा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं हाफ बॉटल तक इसको कवर करूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये कवर कर लिया है, और इस तरह से मैं अब एक दूसरी कलर की और रोप ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई और अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। अब सेम मैं नीचे यहाँ पे फेविकॉल लगाऊंगी, और सेंटर से मैं यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में मैं स्टार्ट करूँगी, नीचे का मैं बेस करूँगी इसके लिए। तो यहाँ पे इस तरह से फेविकॉल लगाने के बाद अब मैं रोप को यहाँ इस तरह से थोड़ा सा राउंड देते हुए स्टार्ट करूँगी इस तरह से, और बिल्कुल राउंड राउंड सर्कल में इसको स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और इस तरह से आपको मूव करते हुए पूरा कवर करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये पूरा इसका नीचे का बेस बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। तो कुछ ऊपर और नीचे इस तरह से मेरा ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। और इस तरह से ये रेडी हो गया है दोनों तरफ से, बस मैं इसको इतना ही लगाऊँगी देखिए। और इसके बाद जब ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं फैब्रिक आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ, फेविक्रिल का आउटलाइनर। यहाँ पे मैं वाइट कलर का फेविक्रिल आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देना है। आप चाहे तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसके साथ लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अनइवन से सर्कल बना रही हूँ, कुछ छोटे कुछ बड़े सर्कल्स बनाते हुए ये पैटर्न बनाऊँगी पूरा। इस जो मैंने ये गैप रखा है इस पूरे बॉटल पर, उस मैं ये पैटर्न को फिल कर लूँगी। और इस पैटर्न को फिल करने के बाद 3D आउटलाइनर को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको पूरा ड्राई होने दूँगी। ये मेरा इस तरह से बॉटल रेडी हो गया ड्राई होने के बाद। मैंने इसके अंदर लाइट्स लगा ली है, तो देखिए कितना सुंदर सा बॉटल लैम्प रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कोई बॉटल एम्प्टी हो तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आए आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और इसको शेयर करना ना भूले। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।